जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी, या मैं कहूँ तो जस्टिस फॉर अनादर निर्भया, ये एक और निर्भया है जो ऐसे दरिंदों के फिर से शिकार हो गई है। मैं बात कर रही हूँ प्रियंका रेड्डी के रेप केस के बारे में। आज के स्टूडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि कौन है प्रियंका रेड्डी, उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से हम इस जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये भी बताऊंगी मैं वीडियो में। बट उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन है ये प्रियंका रेड्डी। तो प्रियंका रेड्डी जी जो है वो हैदराबाद की एक वेटरन डॉक्टर थी, और वेटरन डॉक्टर मतलब जानवरों की डॉक्टर थी वो, और उन्हें भी नहीं पता था शायद कि इंसानों में भी इतने भयानक जानवर होते हैं जिनका वो क्या कोई भी इलाज नहीं कर सकता। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी स्टोरी की तरफ। तो उनके साथ क्या हुआ, बहुत शर्मिंदा करने वाली ये स्टोरी है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि हैदराबाद में रोज जैसे वो अपने क्लिनिक में जाती है तो एक टोल प्लाजा के आसपास वो स्कूटी पार्क करती है, और वहां से वो जाती है कैब लेकर। लौटने के बाद जब वो 9:15 बजे वहां पे पहुंचती है तो वहां पे वो देखती है कि वहां पे सिर्फ जो ट्रक्स हैं वो खड़े हैं और उनकी जो स्कूटी है वो पंक्चर्ड है। ऐसे समय में वो अपनी बहन को कॉल करती है और उनके बहन को वो कुछ ही लास्ट वर्ड्स है जो वो बोलती है, और वो उनके आखिरी कुछ शब्द थे। तो उन्होंने उसमें बोला है कि यहाँ पे मेरी स्कूटी जो है पंक्चर हो गई है, और अब मुझे जो किसी की ना किसी की मुझे मदद लेनी पड़ेगी। सो जब उनकी स्कूटी पंक्चर हो जाती है वहां पे 4 बंदे उनके हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं, और जिनको देख के उन्हें लगता है कि ये कुछ बराबर नहीं है, उनको थोड़ा सा अनसेफ फील होता है। उसमें का जो एक पर्सन है वो गाड़ी लेकर जाता है और बोलता है कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा के लेकर आऊंगा, पर वो रिटर्न आता है और बोलता है कि सभी जो पंक्चर के दुकान है सब बंद हो गए हैं। चमशादाबाद टोल प्लाजा के आसपास की ही ये घटना है, वहां पे वो चारों आरोपी उसे ले जाते हैं ट्रक्स के पीछे और उसके साथ गैंगरेप करते हैं, और गैंगरेप होने के बाद उसे 48 किलोमीटर दूर उसे लेकर जाते हैं, और वहां उसकी बॉडी को वो जलाते हैं केरोसिन डाल के। वो 70% जल जाती है, और सवेरे जब लोग आसपास के उठते हैं और वो देखते हैं किस तरह की यहाँ पे बॉडी है तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं। ऐसी कितनी ही निर्भया, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, इन सब लड़कियों को क्या इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने काम पे जा सके, वो घर से बाहर जा सके। वक्त में जहाँ हमारे कंट्री में शुरू हो जाता है जैसे 4 आरोपी उसमें से जो एक आरोपी है वो मुसलमान है, ऐसे वक्त में आप कोई भी हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति भेद मत लाओ, एक साथ मिलो, एक साथ मिलके न्याय के लिए लड़ो। जो लड़की ने ये सब सहन किया है उसके लिए ही न्याय नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे हैं आने वाली हमारी जनरेशन के लिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम जितना प्रगत हो रहे हैं, जितनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर हमारे अंदर की कहीं जो मानवीयता है, जो ह्यूमैनिटी है, वो डेफिनेटली मर रही है, और इसी इंसानियत को हमें जगाना है। हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, जो घर में हमारे यहाँ लोग रहते हैं उनको वुमेन की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, वो चीज उनको सीखनी चाहिए। जो इंसान घर में औरत की रिस्पेक्ट कर सकता है वो ही बाहर जाके औरत को रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे देख सकता है। हमारे अंदर का गुस्सा बोलता है कि उनको भी उसी तरह से जलाया जाए जैसे कि प्रियंका को जलाया था। पर ये उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक्चुअली ये है कि सबसे पहले तो जरूरी है हमारे देश के कुछ कानूनों का स्ट्रिक्ट होना। जुडिशियरी ने ऐसे कानून जरूर लेकर आने चाहिए जिससे कि जो आरोपी है वो इतनी बुरी तरह से डरे कि उससे उस चीज का डर लगे। हर एक इंसान के मन में ये डर बैठना चाहिए, ये डर बहुत जरूरी होता है। उस चीज करने के पहले ही उस चीज से डर जाए कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी। तो बात कर रहे हैं कि उसने अपने बहन को कॉल करने से पहले अब पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर अगर मैं भी वहां होती तो मैं शायद पहले अपने हस्बैंड को कॉल करती, या मैं अपने भाई को कॉल करती, या अपने मम्मी को कॉल करती। किस तरह के सिचुएशन में मैं हूँ और मैं एकदम अनसेफ फील कर रही हूँ। किसी के भी दिमाग में ये चीज नहीं आती कि वो ऐसे समय पे किसी पुलिस को कॉल करे, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं होती, मुझे हेल्प की जरूरत है। एक नॉर्मल पर्सन दूसरे नॉर्मल पर्सन पे बिलीव कर लेता है, इसे ही कहते हैं ह्यूमैनिटी। बट ये ह्यूमैनिटी मर रही है, इंसानियत मर रही है, ये हमें उस समय पे याद नहीं आता। हमने जो इंसान है वो इंसान के भेष में जानवर है, ये हमें कभी कभी समझ में नहीं आता।
इस तरह के वीडियोस को इतना सर्कुलेट कीजिए, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे, उनको इतना सर्कुलेट कीजिए कि सरकार को भी कड़े नियम या कड़े कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत लगे और वो तुरंत कानून में ऐसी कुछ चीजें चेंज करे जिससे कि हमें न्याय मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे ही लोग इस तरह से डर जाएंगे। जरूरत नहीं है कैंडल मार्च करने की, जरूरत है हमारे न्याय व्यवस्था को चेंज करने की। उसके लिए अपना आवाज इतना बुलंद कीजिए सोशल मीडिया पे, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के सोशल मैसेजेस और बहुत सारी चीजें स्प्रेड कीजिए ताकि जो न्याय व्यवस्था है वो मजबूर हो जाए इस तरह के कड़े कानून बनाने से कि बंदा दूसरे औरत को गंदी नजर से देखना भी बंद कर दे। प्रियंका के लिए जस्टिस के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज RIP प्रियंका रेड्डी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा।